उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी को गोली मारकर उसकी नकदी और जरूरी सामानों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना उस दौरान हुई जब सर्राफा कारोबारी दुकान खोलने से पहले मंदिर में दर्शन करने गया था। वहीं मंदिर पर ही बदमाशों ने गोली मारकर उसका बैग लूट लिया और फरार हो गए। सर्राफा कारोबारी से लूट की घटना के बाद गुसाई कस्बे के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लूट में शामिल बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन देकर किसी तरह जाम को खुलवाया है। गोली लगने से घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले में जल्द ही फरार बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है। भैया आप क्या कारोबार करते हैं और क्या घटना आपके साथ? मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैं वहाँ तक पहुँचा उससे पहले ही गेट पर अच्छू पाठक नाम का लड़का एक और साथ में दोनों ने एक बार मेरे छीने पर कर दिया तो मिस हो गया। दूसरा गोली चलाई, मैंने हाथ लगा दिया और फिर मैं बाजार तरफ दौड़ा तो वहाँ जाकर उसने मुझसे कहा रिवॉल्वर ला अपना। मैं आज रिवॉल्वर लगाया नहीं था, उसने मेरा झोला ले लिया, झोले मोबाइल पड़ा है, 20,000 रुपये हैं, आधार कार्ड, बालिक हमारा पड़ा है। कहाँ आप जा रहे थे? मैं दुकान तरफ जाना था, मैं दुकान तरफ जाना था। क्या नाम है आपका? सील गुप्ता, कस्बा सांडी के सील गुप्ता हैं। ये एक मंदिर है, मंदिर पे सुबह 10:25 पर लगभग ये गए थे दर्शन करने, वहाँ पे निर्माण कार्य भी हो रहा है। इसको लेकर के वहाँ पे दो व्यक्ति पहले से वहाँ बैठे हुए थे, अच्छू पाठक और एक उसका दोस्त। इन लोगों ने इन पे किसी बात को लेकर फायर कर दिया जिसमें ये घायल हो गए। इनके हाथ और मुँह में इनको चोट आई है। पुलिस तत्काल मौके पहुँची है और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक इनके बैग छीनने इत्यादि की बात है, इनके द्वारा बताया गया कि इनके बैग में दुकान की चाबी, आधार कार्ड, मोबाइल और 20,000 रुपये आसपास बता रहे हैं। जैसा तहरीर मिलेगी पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। व्यापारियों में सर आक्रोश किस वजह से था, जामा लगाया था? पुलिस मौके पहुंची है, उनसे बातचीत कर रही है। उनका कहना है कि इसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, जैसे ही तहरीर मिलेगी आवश्यक पुलिस कार्रवाई करेगी। R9 भारत के लिए आदर्श त्रिपाठी की रिपोर्ट, हरदोई, उत्तर प्रदेश। खबर हरदोई के सुरसा इलाके से, जहां 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि युवक मासूम को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गया था। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सुरसा में उदरा पथलाई गाँव में एक व्यक्ति आज थाने पर सूचना दिया है कि उसकी बेटी 7 वर्ष की बेटी के साथ गांव के एक 23 वर्षीय युवक ने रेप किया है। इस संबंध में पुलिस की जो सूचना मिली तत्काल FIR दर्ज की गई है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, शीघ्र ही उसको हिरासत में ले लिया गया व्यक्ति को और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। बच्ची कितने साल की है? बच्ची की उम्र 7 साल, लगभग 7 साल। R9 भारत के लिए आदर्श त्रिपाठी की रिपोर्ट, हरदोई, उत्तर प्रदेश।